नमस्कार, मैं हूँ जागृति और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुरुआत करेंगे बल्लभगढ़ की खबर से, जहाँ खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग से फैली इलाके में अफरा तफरी, हादसे में कोई हताहत नहीं, कार सवारों ने कूद कर अपनी जान बचाई। मोहना रोड का है पूरा मामला। बड़ी खबर बल्लभगढ़ से, जहाँ खड़ी कार में अचानक आग लग गई। वहीं आग की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। हादसे में कोई हताहत नहीं, कार सवारों ने कूद कर अपनी जान बचाई। बड़ी खबर बल्लभगढ़ से, जहां खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। वहीं हादसे में कोई हताहत नहीं हुई, कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त बल्लभगढ़ से आ रही है, जहां पे खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। तस्वीरें देखिए इस वक्त आप लगातार टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पे बल्लभगढ़ में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। जहां आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। वहीं इस आगजनी में कोई हताहत नहीं हुई, कार सवार ने अब कूद कर अपनी जान बचाई। और आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर ये पूरी वीडियो, जहां खड़ी कार में अचानक आग लग गई, वहीं कार सवारों ने कूद कर अपनी जान बचाई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन आगजनी से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। बड़ी खबर बल्लभगढ़ से, जहां खड़ी कार में अचानक आग लग गई। हादसे में कोई हताहत नहीं, कार सवारों ने कूद कर अपनी जान बचाई। वहीं इस आगजनी से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई है। लगातार आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहां बल्लभगढ़ से खबर आ रही है खड़ी कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। वही इस पूरे मामले में कोई हताहत नहीं हुई है, कार सवार ने कूद कर अपनी जान बचाई। बड़ी खबर बल्लभगढ़ से, जहां खड़ी कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं पलवल चांदहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत 8 दिन पहले मोबाइल चोरी के शक में 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मामले का वीडियो सामने आया। आरोपी ने दोस्त की हत्या करते समय वीडियो बना लिया था और बाद में गलती से उसने मृतक के साले अख्तर को भेज दिया, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। बता दें कि 13 दिसंबर को मृतक अपने दोस्तों के साथ शादी में शामिल होने गया था। तब दोस्तों ने मृतक के परिजनों को बताया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जब वीडियो सामने आया तो सच्चाई जाहिर हो गई कि दोस्तों ने ही उसकी हत्या की है। वही वीडियो के आधार पर और परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है। अकरम जी, जो राहुल नामक युवक की हत्या हुई है, ये क्या मामला है और आपका क्या लगता है? राहुल मेरा जीजा है और उसकी जो हत्या की गई है वो साजिश के तहत की गई है। अक्सर उसको जो ओमपाल उर्फ कलुआ है, ये उसको अक्सर पैसों के लिए उकसाता था और उसको 13 तारीख को घर से 10-11 बजे उसको लेके गया घर से और बोल रहा कि 10-20 मिनट में मैं इसको भी छोड़ दूंगा लाकर, और अभी हम थोड़े काम की वजह से जा रहे हैं, घर पर बोल के गया था कलुआ, तो हमने मना किया, मैंने कि भाई इसे मत लेके जा। बोला कि अभी 10 मिनट में आऊँगा, बस अभी छोड़ दूंगा मैं इसको। तो वो उसको लेके गए रसूलपुर के पास में नाला है, वहाँ उसको लेकर गए और वहाँ उसको कुराड़ी लाठी डंडों से सिगरेट से उसको पैर वैर जला दिया। मामला इन मटर किया, इन हत्या के मामले में वांछित है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई उनकी? गिरफ्तारी एक की तो बागपुर से हुई है जी, तो एक अपने ये अपना फरीदाबाद काम से। तो अदालत में पेश किया जा रहा है? अदालत में एक बंदे ओमपाल का तो रिमांड 1 दिन लिया जा रहा है और एक का जुडिशियल रिमांड 1 दिन की रिमांड के बाद पेश खत्म। वहीं पलवल चांदहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत 8 दिन पहले मोबाइल चोरी के शक में 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी।
इस बात का खुलासा तब हुआ जब मामले का वीडियो सामने आया और आरोपी ने दोस्त की हत्या करते समय वीडियो बना लिया था और बाद में गलती से उसने मृतक के साले अख्तर को भेज दिया, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। बता दें कि 13 दिसंबर को मृतक अपने दोस्तों के साथ शादी में शामिल होने गया था। तब दोस्तों ने मृतक के परिजनों को बताया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जब वीडियो सामने आया तो सच्चाई जाहिर हो गई कि दोस्तों ने ही उसकी हत्या की है। वहीं वीडियो के आधार पर और परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पलवल का है, जहां 8 दिन पहले मोबाइल चोरी के शक में 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मामले का वीडियो सामने आया। आरोपी ने दोस्त की हत्या करते समय वीडियो बना लिया था और बाद में गलती से उसने मृतक के साले अख्तर को भेज दिया, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। बता दें कि 13 दिसंबर को मृतक अपने दोस्तों के साथ शादी में शामिल होने गया था। तब दोस्तों ने मृतक के परिजनों को बताया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जब वीडियो सामने आया तो सच्चाई जाहिर हो गई कि दोस्तों ने ही उसकी हत्या की है। वहीं वीडियो के आधार पर और परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया है। वहीं फरीदाबाद की खड्डा कॉलोनी में देर रात 14 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि बच्चे के शरीर पर जलने के निशान थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सूचना मिलने के बाद मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बच्चे के परिजनों ने बच्चे के दोस्त पर ही घर से ले जाकर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। पूरा मामला फरीदाबाद का है, जहां देर रात एक 14 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 2-3 दिन से काम पे ले जाता था जबरदस्ती, मेरा भाई जाता नहीं था फिर भी लेके गया था उसे, और परसों इसने धमकी दी है कि चल मेरे साथ गोपाल, तो उस गोपाल ने मना करे कि मैं नहीं जाऊंगा, तो और टिंकू नाम का लड़का जिसके साथ मेरा भाई काम पे जाता था वो कल लेके गया, उसको कल लेके गया हुआ है, और वहां जाकर पता नहीं उसके साथ क्या करा क्या नहीं करा हमें नहीं पता। फिर शाम को 7 बजे हमें वहां उसकी मतलब वो मिला हुआ, गोपाल मेरा भाई है वो वहां मिला हुआ था, और गड्ढा कॉलोनी है वो। कल रात को हमारी पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई गोपाल नाम का लड़का है और वो उसका हाथ और पैर थोड़े जड़े हुए थे, तो उस सूचना पर हमारी पुलिस मौके पर गई थी और जो नेसेसरी एक्शन था वो हमने मौके पर लिया था और बॉडी बीके हॉस्पिटल में रखवा दी थी, और अभी तक उसके परिवारजनों ने कोई परिवाद नहीं दिए। जैसे ही उनकी कोई कंप्लेंट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, अभी विषय विचार। वहीं पलवल के हतीन में फिरोजपुर राजपूत गांव में पेड़ पर एक 26 साल के युवक का शव लटका मिला, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक युवक पिछले 5 दिनों से घर से लापता था। सूचना मिलते ही युवक के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतक के पिता ने कहा कि गुराकसर गांव के 6 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पिता ने आरोप लगाया कि वो लोग मृतक का धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे और उसे बहला फुसला कर उससे करीब 38 लाख रुपए भी हड़प लिए गए थे। पेड़ पे लटका हुआ है, वहाँ पर पहुंचे तो उसके पिताजी ने दरखास्त दी है गोरखसर के 5 आदमियों के खिलाफ, और उन्होंने मार के लटका दिया है, मुकदमा दर्ज कर दिया है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं, आगे जैसे कार्रवाई होगी। फरीदाबाद में झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया। आपको बता दें कि यह घटना खेड़ी पुल के पास भारत कॉलोनी की है, जहां पर बीती रात 2 भाइयों में झगड़ा होने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। घायल अवस्था में छोटे भाई को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों ने बताया कि रात करीब 9 बजे खाना खाने को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और झगड़े में देखते देखते बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू से मारकर उसे घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने भी इस घटना पर बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि दो भाइयों में झगड़ा हुआ है और बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मारकर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद बीके अस्पताल पहुंची पुलिस ने देखा कि उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि परिवार वालों की तरफ से अभी कोई शिकायत नहीं दी गई है, अगर परिवार वाले शिकायत देते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। हमारी पुलिस को एक रुका प्राप्त हुआ था देर रात के, तो उससे संबंध में भी दो भाइयों की मौत हो गई है, तो उसके बारे में भी अभी कंप्लेंट प्राप्त हुई है, उस पर भी आगामी कार्रवाई की। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर नहीं? अभी तक उसका आरोपी वो भाई भाइयों की लड़ाई थी, दूसरा भाई का भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और हमारी पुलिस उसको सर्च कर रही है और कंप्लेंट हमारे को प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई। फरीदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल बादशाह खान में मरीजों को दवाई के लिए बाहर भेजा जा रहा है। दरअसल अस्पताल में कभी भी दवाइयां पूरी नहीं मिलती हैं। यहां पर अपना इलाज कराने आए लोग जब दवाइयां लेने के लिए सिविल अस्पताल के स्टोर पर जाते हैं तो वहां से उनको मायूस होकर लौटना पड़ता है और न चाहते हुए भी दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती है। हालांकि अस्पताल के PMO डॉक्टर सविता यादव ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी दवाइयां उपलब्ध करा दी जाएंगी। नहीं, दवाइयाँ देखिए सारी उपलब्ध हैं, कोई इक्का दुक्का कोई दवाई जो है वो हो सकता है क्योंकि वेयर हाउस में कुछ मेडिसिन हैं जो कि क्वालिटी चेक के प्रोसेस से गुजर रही हैं, तो वो भी एक दो दिन में उपलब्ध हो जाने चाहिए। कब तक लोगों को प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी? इस मेरे ख्याल में एक दो दिन के अंदर ही ये दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन लोग काफ़ी परेशान हैं, उनके लिए कोई वैकल्पिक उपलब्धता की कराई गई है क्या? हाँ, वैकल्पिक उपलब्ध जो दवाई है वो उपलब्ध करा दिया जाता है और अब हमारे पास ज्यादातर दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। पहले जैसे एंटी रेबीज और ये हीमोफीलिया फैक्टर्स, ये सब भी हमारे पहले बहुत पहले नहीं अवेलेबल होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अवेलेबल होते हैं। क्या ये लापरवाही ज्यादा दिखा रहे हैं? दवाई का ले लो या फिर आप कोई चेकअप डॉक्टर लिख देते हैं तो सीधा कह देते हैं मशीन खराब है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे मशीन रिपेयर नहीं हो रही है। इतनी तरक्की कर ली है हिंदुस्तान ने, मगर आज भी गरीब आदमी परेशान है। किस कारण परेशान है? कि ये लापरवाही कर रहे हैं काम में। मशीनें खराब है, अल्ट्रासाउंड करवाना मशीन खराब है, एक्सरे करवाने जाओ तो मशीन खराब है। आप बाहर से करवा लो, बाहर 2,000 मांगते, कोई 5,000 रुपये। गरीब आदमी अगर बाहर ही चेकअप करवाने हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में आई क्यों रहा? वैक्सीनेशन को लेकर शहरवासियों को पछाड़ते हुए फरीदाबाद के कई गांव 100% तक वैक्सीनेट हो चुके हैं और इस मुद्दे पर CMO डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि वैक्सीनेशन का काम तेज गति से जारी है, जबकि शहरी इलाकों में दूसरी डोज 75% तक हो चुकी है, वहीं अभी भी 25% लोग बाकी हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना लापरवाही किए वैक्सीनेशन करवाएं ताकि पूरा जिला 100% वैक्सीनेट हो सके। वैक्सीनेशन को लेकर शहरवासियों को पिछाड़ते हुए फरीदाबाद के कई गांव 100% तक वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और इस मुद्दे पर CMO डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि वैक्सीनेशन का काम तेज गति से जारी है, जबकि शहरी इलाकों में दूसरी डोज 75% तक हो चुकी है, वहीं अभी भी 25% लोग बाकी हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना लापरवाही किए वैक्सीनेशन करवाएं ताकि पूरा जिला 100% वैक्सीनेट हो सके। वैक्सीनेशन को लेकर शहरवासियों को पछाड़ते हुए फरीदाबाद के कई गांव 100% तक वैक्सीनेट हो चुके हैं और इस मुद्दे पर CMO डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि वैक्सीनेशन का काम तेज गति से जारी है, जबकि शहरी इलाकों में दूसरी डोज 75% तक हो चुकी है, वहीं अभी भी 25% लोग बाकी हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना लापरवाही किए वैक्सीनेशन करवाएं ताकि पूरा जिला 100% तक वैक्सीनेट हो सके।
वैक्सीनेशन को लेकर शहरवासियों को पिछाड़ते हुए। फरीदाबाद में इन दिनों नगर निगम की सील खूंटी पर टंगी हुई है। हो सकता है आपको हमारी ये बात थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन सच यही है कि नगर निगम की ओर से सील किए गए ताले खूंटी पर टंगे हैं और शटर के पीछे चल रहा अवैध निर्माण का काला खेल। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर है उस ताले की जिस पर नगर निगम ने सील लगाई है, और ये वो शटर है जिस पर फरीदाबाद के होनहार नगर निगम ने ताला लगाकर सीलिंग की कार्रवाई की है। लेकिन अब ये सील लगे हुए ताले सही सलामत खूंटी पर टंगे हैं। अगर आप इन तालों को गौर से देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि इन तालों पर निगम की सील बरकरार रखने के लिए बड़ी सफाई से तोड़ा या कुछ यूं कहें कि खोला गया है। खैर, चलिए अब आपको इस पूरे मामले से रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं क्या है सील टूटे ताले और शटर के पीछे चल रहा पूरा खेल। दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर 10 हाउसिंग बोर्ड में चल रहे बिल्डिंग निर्माण के काम को कुछ दिनों पहले रोक दिया गया था। ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम ने इमारत के निर्माण को रोकने के लिए सीलिंग की कार्रवाई की, शटर बंद किया, ताले भी खुद लगाए और तालों पर निगम की सरकारी सील भी खुद लगाए। लेकिन अब इन तालों को इतनी सफाई से खोला गया है कि किसी को भनक न लगे, क्योंकि जब भी कोई विपत्ति आए या फिर काम को रोकना हो तो ताले को फिर से लगा दिया जाए। लेकिन जैसे ही हर खबर की टीम को शटर के पीछे चल रहे अवैध निर्माण के काम की भनक लगी तो हर खबर संवाददाता पूजा शर्मा मौके पर पहुंच गई, और इस बार सील लगे ताले और शटर के पीछे चल रहा अवैध निर्माण का खेल पूरी तरह से बेपर्दा हो गया। आप भी देखिए जब हर खबर संवाददाता पूजा शर्मा मौके पर पहुंची। फरीदाबाद में अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में कई जगह पर सीलिंग की कार्यवाही की गई, और देखिए सीलिंग की जो कार्यवाही की जाती है उसका किस तरह से कथित रूप से नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से कार्यवाही को अंजाम देने के बाद अवैध निर्माणकर्ता मखौल उड़ाते हैं, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आज दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए, मैं इस वक्त सेक्टर 10 में मौजूद हूँ। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ये कही जाती है जहाँ पर रिहायशी मकान जो है वो बनाए जा सकते हैं, लेकिन देखिए जहाँ पर सीलिंग की कार्यवाही को अंजाम दिया गया था, ये आप देखेंगे कि ये वो सील है जिसे नगर निगम द्वारा इस अवैध निर्माण पर लगाया गया था। लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है, अभी महीना भी नहीं हुआ है इन अवैध निर्माणों को सील किए हुए, और अवैध निर्माण जो है वो किस कदर शहर में नासूर बनते जा रहे हैं। इस तरह की जो कार्यवाही है, अवैध निर्माणकर्ताओं के जो हौसले बुलंद है कि सरकारी जो कार्यवाही होती है उसे किस तरह से यहाँ खूंटी पर टांग दिया जाता है, सील तोड़कर। यहाँ पर आप देखेंगे कि शटर यहाँ पर खुला हुआ है, यानी कि अंदर निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। इसका एक और प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो आप तार देख रहे हैं ऊपर, लेबर भी वहां पर नजर आ रही है, ये जो तार आप देख रहे हैं ये बिजली की तार है, यानी कि देखिए सीलिंग के बाद शटर यहाँ पर खुला हुआ है, ये तार यहाँ पर जो है वो अंदर से कनेक्ट की गई है और ऊपर जो है वो कनेक्शन बिजली का यहाँ से प्रयोग किया जा रहा है। अब इसमें बात और गंभीर बात सोचनी है, विषय यह भी है कि आखिर किसकी मिलीभगत से या किसकी कथित शह से इस तरह से अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद है कि सरेआम जो सरकारी सील यहाँ पर लगाई गई है, मैं आपको एक बार पुनः यहाँ पर दिखाऊंगी कि सरकारी कार्यवाही को किस तरह से यहाँ पर सील तोड़कर यहाँ पर खूंटी पर टांगा गया था और शटर यहाँ पर खोला गया था। अब बड़ा सवाल ये है कि नगर निगम कमिश्नर और सरकार ऐसे अधिकारियों पर क्या संज्ञान लेती है। जाहिर है कि निगम के सील लगे ताले को ऐसे ही नहीं तोड़ा गया है,
शटर के पीछे चल रहे इस अवैध निर्माण के काले खेल को फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं खेला जा सकता है। अब देखना ये होगा कि फरीदाबाद निगम की कार्रवाई को ठेंगा दिखाने वालों के खिलाफ नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव क्या एक्शन लेते हैं और कब लेते हैं। फरीदाबाद से हर खबर हरियाणा के लिए पूजा शर्मा की रिपोर्ट। इस पूरे मामले के लिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए पूजा शर्मा फरीदाबाद से जुड़ गई हैं। तो पूजा, क्या पता चल पाया है कि कौन है इस पूरे मामले के पीछे, कौन लोग मौजूद हैं? देखिए जागृति, जब इस तरह से सरेआम जो नगर निगम या कोई भी सरकारी विभाग कार्रवाई करता है और उस कार्रवाई का इस कदर मखौल उड़ाया जाता है, नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो इसके लिए राजनीतिक संरक्षण जो है कथित रूप से जिम्मेवार होता है, वो अधिकारी जिम्मेवार होते हैं, तो कथित रूप से इस तरह से अवैध निर्माणों को जो है वो हौसला देते हैं। क्योंकि देखिए अभी इस जो सीलिंग की कार्रवाई की गई इसको एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और जिस कदर सरेआम इस तरह से सील तोड़कर निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कार्यशैली को लेकर अधिकारियों की। क्योंकि बिना जो है जो अधिकारी हैं जो तोड़फोड़ दस्ते में तैनात है, जिनकी जिम्मेदारी है कि जो कार्यवाही है वो इस तरह से बाधित ना की जाए, उसका मखौल ना उड़ाया जाए, कहीं ना कहीं उनकी जो है कथित रूप से चुप्पी या कहे कि मौन समर्थन इसमें देखा जा सकता है। और ये देखिए जागृति, ये वानगी मात्र है, फरीदाबाद में ऐसी कई ऐसी इमारतें हैं, ये केवल एक फरीदाबाद की सेक्टर 10 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में यहाँ पर ये रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल जो है वो इमारत बनाई गई है, लेकिन इस तरह की इमारतें बहुत सारी हैं। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, भटकल विधानसभा क्षेत्र, ये एरिया इसके गढ़ बन चुके हैं जहां पर नगर निगम पता नहीं कितनी बार इमारतों को सील कर चुका है और सीलिंग के बाद आज जिस स्तर पर सील किया उस वक्त निर्माण कार्य जो था वो बहुत ही अपनी प्राथमिक स्तर पर था, लेकिन अब वहां पर बहुमंजिला इमारत अवैध रूप से बना दी गई और सील तोड़कर बना दी गई। तो उन लोगों पर, उन अवैध निर्माणकर्ताओं पर किसी तरह से शिकंजा नहीं कसा गया, तो निश्चित तौर पर शहर में जो और अवैध निर्माणकर्ता है उन्हें एक संदेश जाता है कि इस तरह से कथित मिलीभगत करके पूरे मामले के पीछे जो आरोपी हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए हर खबर ने रियलिटी चेक किया है और अधिकारियों से जब बात की गई तो उन्होंने निश्चित तौर पर कहा है कि वे इसका संज्ञान लेंगे और जो अवैध निर्माण करता है, देखिए सरकारी काम का जिस तरह से यहाँ पर मजाक बनाया गया है, सीधे तौर पर स्थानीय पुलिस की कार्यवाही की यदि बात करें तो नगर निगम द्वारा FIR दर्ज करवाई जा सकती है क्योंकि सरकारी काम में बाधा डाली गई है। बाधा डालने के बाद इस तरह से जो है कार्यवाही को लेकर जो अवैध निर्माणकर्ताओं की मंशा रही है उस मंशा को लेकर उन पर पुलिस कार्यवाही की गई है और लाइसेंस नक्शा रद्द करने जैसी प्रक्रिया को भी नगर निगम अपना सकता है। लेकिन जागृति, यदि इच्छा शक्ति हो तभी ये तमाम कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन एक तरफ देखिए नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव जो है फरीदाबाद के लिए एक बहुत बेहतरीन और ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं कि स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद जो अभियान चलाया हुआ है, आज फरीदाबाद की सड़कें काफी हद तक यहाँ तक कि गली मोहल्ले भी साफ नजर आ रहे हैं, बाजारों में अब सड़कें चौड़ी नजर आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक तरफ फरीदाबाद को जी बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर हरियाणा।